सबसे पहली बात है कि जो बिहार में सरकार है नीतीश कुमार जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अब वो सेठिया गए हैं, उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। बच्चों का भविष्य निर्माण छोड़ के दारू पकड़े, बच्चे तो हथियार उठा चुके हैं बिहार में। अपराध देखिए, 15-15 साल के लड़के तमंचा लहराते हुए निकल जाते हैं। वो तो शिक्षक, अपना शिक्षक को जब आप दारू पकड़वाइएगा तो शिक्षक पढ़ाएंगे कहाँ से? आखिर हमारा जिला 25 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, तो हमारे जिले में विश्वविद्यालय क्यों नहीं है? पकड़ा जाता, उनको पकड़ा जाता है। जो जो बड़े बड़े व्यापारी है वो तो पहुंचाते हैं थाना को, एसपी साहब को। और माननीय नीतीश कुमार जी को भी पता है, मुख्यमंत्री जी को ये भी पता है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू करने के लिए वो बिल्कुल विफल है। लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है, लगातार देखिए तो कभी मछली के मुड़ी के लिए मार हो जाता है, कभी कहीं गोली चल जा रहा है, कुछ भी लगातार हादसा होते रह रहा है। किसी मुखिया नीतीश कुमार मैनिफेस्टो जारी किए थे चुनाव के वक्त कि युवाओं को 19 लाख नौकरी देने का वादा किए थे, और उस 19 लाख नौकरी सिर्फ लॉलीपॉप साबित होकर रह गया। आज तक वो 19 लाख नौकरी का कहीं जिक्र नहीं हुआ। सरकार यहाँ गोपालगंज में 3 चीनी मिल है, तीनों का तीनों बंद है, सिधवलिया है, सासामूसा है, ये तमाम चीनी मिल बंद है, कल कारखाने बंद है। युवा रोजगार लेने के लिए मुंबई जाता है और मुंबई जा करके सड़कों पे लोग के वहाँ पे मार खाता है, गालियां सुनता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत धिक्कार की बात है कि पूरे बिहार के लिए है। हम अगर युवाओं का यहाँ मुद्दा उठाए हैं तो जाहिर सी बात है कि युवा सिर्फ गोपालगंज में नहीं है, युवा पूरे बिहार में है। इसीलिए हम पूरे बिहार के युवाओं के लिए आवाज उठाने वाले हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को गोपालगंज से लेकर के पटना तक जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम इसको पूरे बिहार में, लगभग हम लोगों में 1467 सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों की वजह से बहुत लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर भी हम लोगों की 200 की संख्या में टीम गोपालगंज से निकल करके पटना। दो चार दिन पहले इतना छोटा छोटा लड़का गोली चलाया था हथुआ में। उनसे सरकार पूछी कि तुम गोली क्यों चलाए, तो वो बोला कि हम शौक के लिए चलाए, किसके दबाव में, तो किसी के दबाव में नहीं है, बस हुआ है। लेकिन दारू भी हर जगह बिक रहा है, तो इस पे आप लोगों का क्या है, पदयात्रा में कुछ है दारू को लेकर? बिल्कुल है, या तो हम लोगों के मेंशन है इसमें कि या तो शराब को पूर्णतः चालू कर दीजिए या तो पूर्णतः बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बीच वाला जो खेल है इसमें मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। सरकार जान रही है, प्रशासन जानती है कि यहाँ दारू हो रहा है, वो जानती है, लेकिन वो उसका रवैया वहाँ कमजोर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ छोटे छोटे जो है वो बेच रहे हैं, उनको पकड़ ले रही है, लेकिन जहाँ से बड़े बड़े वो तस्कर आ रहे हैं, तस्कर यहाँ ट्रक से लदी आ रही है ट्रकें, वो उनको ध्यान देते ही नहीं है, वो बस उन्हीं को ध्यान देते हैं। जैसे कोई मान लीजिए दो पेटी लाया, कोई पीने के लिए लाया, या किसी गाड़ी के पास है, जब्त कर लेगी, लेकिन वो बड़े बड़े वाले पर नहीं देख रही है। इसी एक कारण है, वो हम मानते हैं कि जब किसी भी सत्ता दल के विधायक के पास जाते हैं उसके सरकार के मैनिफेस्टो के खिलाफ, तो वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको डर है कि भाई अगला बार हमारा टिकट कट जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सही का आवाज उठा रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधि आपका साथ नहीं देता है, तो समझ लीजिए कि सिर्फ सत्ता का लोभी है। और सत्ता, लेकिन लोकतंत्र का मतलब तो एक कहावत कही जाती है कि अगर सड़कें खाली हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। अभी का जो दौर चल रहा है, सवाल पूछने की प्रथा खत्म हो गई है, सरकार की विरोध करने की प्रथा खत्म हो गई है, सरकार जो है मैनिफेस्टो निकालती है, सरकार बना लेती है, लेकिन कोई भी काम ढंग से नहीं करती है, और इसका विरोध जो है कोई नहीं कर पाता है, या यूं कहें तो कोई करने वाला अब है नहीं। अगर इस परिप्रेक्ष्य में कोई युवाओं की टोली है जो सरकार से सवाल पूछना चाहती है, सरकार का विरोध कर रही है, सरकार से उनके मैनिफेस्टो पे ही सवाल कर रही है, जो उनके यहाँ कमियाँ हैं उसको लेके सरकार से सवाल कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ये चीज़ आप तक पहुँचाएँ। हम अभी गोपालगंज में हैं, और गोपालगंज में एक युवाओं की टोली है जिसका नाम है हुंकार दल, जो बिहार चेतना पद यात्रा निकाल रही है। सबसे पहले ये बताइए कि इस पद यात्रा की कारण क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले छपरा अपडेट के तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और जैसा कि बिहार सुधार चेतना पदयात्रा एक कार्यक्रम रखा गया है जो कि गोपालगंज से पटना तक तमाम युवा, गोपालगंज के इनकलाबी धरती के तमाम क्रांतिकारी युवा साथी गोपालगंज से पटना तक पैदल यात्रा करने वाले हैं, और नीतीश कुमार जी के आँखों में आँख डाल करके अपनी सवालों को पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा जिला 25 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, तो हमारे ज़िले में विश्वविद्यालय क्यों नहीं है?
लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है, लगातार देखिए तो कभी मछली के मुड़ी के लिए मार हो जाता है, कभी कहीं गोली चल जा रहा है, कुछ भी लगातार हादसा होते रह रहा है, किसी मुखिया का हत्या हो जाता है, अटल पांडे का हत्या हो जाता है, कोई अभी उस पर आवाज़ नहीं उठाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए जैसे अन्य राज्यों में डायल 100 पुलिस की सेवा होती है, अपने बिहार में क्यों नहीं है। तीसरा कि नीतीश कुमार मैनिफेस्टो जारी किए थे चुनाव के वक्त कि युवाओं को 19 लाख नौकरी देने का वादा किए थे, और उस 19 लाख नौकरी सिर्फ लॉलीपॉप साबित होकर रह गया। आज तक वो 19 लाख नौकरी का कहीं जिक्र नहीं हुआ, सरकार बन गई। चौथा है कि बाढ़ हर साल आता है बिहार में, और हर साल बाढ़ में न जाने कितना घर तबाह हो जाता है और न जाने कितने परिवार पीड़ित हो जाते हैं, और उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाने वाले हैं कि बाढ़ से जितना भी प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए घर आवंटित किया जाए, या फिर कहीं बाहर में जाके जमीन को आवंटन किया जाए ताकि वो घर सुरक्षित हो पाए। चौथा है कि जैसे कल कारखाने बंद है, यहाँ गोपालगंज में 3 चीनी मिल है, तीनों का तीनों बंद है, सिधवलिया है, सासामूसा है, ये तमाम चीनी मिल बंद है, कल कारखाने बंद है, युवा रोजगार लेने के लिए मुंबई जाता है और मुंबई जा करके सड़कों पे लोग के वहाँ पे मार खाता है, गालियाँ सुनता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत धिक्कार की बात है कि एकदम शर्मनाक है कि हम लोग अपने राज्य में इतना होते हुए भी हम लोग बाहर कहीं जाते हैं। ये जो पद यात्रा है आपका, ये सिर्फ गोपालगंज के लिए है कि पूरे बिहार के लिए है? पूरे बिहार के लिए है। हम अगर युवाओं का यहाँ मुद्दा उठाए हैं तो जाहिर सी बात है कि युवा सिर्फ गोपालगंज में नहीं है, युवा पूरे बिहार में है, इसीलिए हम पूरे बिहार के युवाओं के लिए आवाज उठाने वाले हैं। और हम लोग इस कार्यक्रम को गोपालगंज से लेकर के पटना तक जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम इसको पूरे बिहार में भी फैलाएंगे। अच्छा, जैसे आपने 3 चीनी मिल का जिक्र किया, 3 मिलों का जिक्र किया जो तीनों अभी गोपालगंज में ही है, छपड़ा में भी एक, मढ़ौड़ा में, मढ़ौड़ा में है जी बिल्कुल। तो हम लोगों का जो रूट मैप तैयार हुआ है वो हम लोग गोपालगंज से निकल के मसरक और छपरा होते हुए हम लोग जाएंगे। तो हम लोगों का मांग, चूंकि मांग पत्र में हम लोग का भी ये जारी हुआ है कि हम लोग उसमें अपनी बातों को रखेंगे, जिसमें मढ़ौड़ा की चीनी मिल भी हम लोगों में शामिल है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग पैदल जाएंगे, 23 तारीख को निकलेंगे और पहुंचेंगे कब? 3 तारीख को, 3 अप्रैल को। तो ये जो गाड़ी वाला जमाना है, हेलीकॉप्टर वाला जमाना है, एरोप्लेन वाला जमाना है, तो पैदल जाने का क्या फायदा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग समाज के एक मजबूत स्तंभ है युवा, और अगर युवा जो चाहेगा वो कर सकता है, और हम लोग इतना जज्बाती हैं, हम लोग में इतनी क्षमता है कि जो बुजुर्ग नेता जो हो गए हैं वो सिर्फ चार दीवारी में बैठ के एसी का और ब्लोअर का हवा लेते हैं, तो हम लोग में वो नहीं है। हम लोगों को है कि कुछ किया जाए और इतना बेहतर किया जाए कि सरकार पे ये प्रभाव पड़े, इसलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं और मजबूती से अपनी बातों को रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो बुजुर्ग नेता हैं वो तो एसी में रह रहे हैं, युवाओं को दिक्कत को समझ नहीं पा रहे हैं, जो गांव की दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है वो लोग ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो एसी में हैं, वो तो एसी का हवा खा रहे हैं, एकदम सुख चैन से बैठे हुए हैं, तो उनको यहाँ की दिक्कतें समझ नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो युवा है जो झेल रहा है, अगर वो अपनी मांगों को लेके जा रहा है, तो इसमें सबको साथ देना चाहिए और सबको उनका सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग युवा हैं, चूंकि हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो और भी जो समाज है वो निरंकुश हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा। आपके टीम में कितने लोग हैं? हम लोगों के टीम में पदयात्रा में शामिल होंगे लगभग, हम पूरा बताते हैं, लगभग हम लोगों में 1467 सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों की वजह से बहुत लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, फिर भी हम लोगों की 200 की संख्या में टीम गोपालगंज से निकल करके पटना जाएगी, मुख्यमंत्री साहब की आवाज तक जाएगी। बिल्कुल, और वहां जा करके हम लोग अपनी 6 मांग को रखेंगे, और ज्ञापन के तौर पे हम लोग गोपालगंज के तमाम युवाओं का हस्ताक्षर अभियान भी चलाए हैं, ऐसे ऐसे 10 हम लोगों का पोस्टर भर चुका है हस्ताक्षर अभियान को लेकर के, और इसको हम लोग उनको नीतीश कुमार को देने का काम करेंगे, चूंकि हमारे साथ युवा है ये साबित करेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रखर दुबे नाम है। प्रखर दुबे आपका नाम है। पद यात्रा से नीतीश कुमार जी पे प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है? बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, वो देखेंगे, हम लोगों का कर्मठ देखेंगे, हम लोगों का कर्म देखेंगे, वो देखेंगे कि लड़का मेहनत करके आया, लड़का पैदल चल के आया है, मुसीबत झेल के आया है, तो वो समझेंगे, और उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल हमको याद है कि यही समय था, हम लोग पीपल के पेड़ के ही नीचे अपना वो किए थे, उद्घाटन किए थे अपने हुंकार दल का, और आज अपने जीवन का इस दल का फिर से हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ही पैदल और पीपल के नीचे ही हैं, पैदल पटना जाने वाले हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, यहाँ ना शिक्षा है
और ना ही रोजगार है। यहाँ में सबसे ज़्यादा यह है कि बाहर से लड़के पढ़ के आ रहे हैं, उनको भी नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ मेरिट लिस्ट पर नौकरी मिल रहा है, फिर भी देखिए थावे में पिछले साल का क्या घटना हुई थी कि एक टीचर का टीचर था, कोई कर्मचारी था, सरकारी कर्मचारी, वो पैसे लेके और वो कर देता था, नौकरी दे देता था। वो मेरिट लिस्ट वाले को जो मेरिट लिस्ट नहीं रहते थे उनको मेरिट लिस्ट कर देते थे, वो करके नौकरी देते थे, जिसका भंडाफोड़ हुआ और सब जितने भी नौकरी पाए थे वो सबको निलंबित कर दिया गया। और यहाँ आए दिन, अब दो चार दिन पहले इतना छोटा छोटा लड़का गोली चलाया था हथुआ में, उनसे सरकार पूछी कि तुम गोली क्यों चलाए, तो वो बोला कि हम शौक के लिए चलाए, किसके दबाव में, तो किसी के दबाव में नहीं है, बस हम शौक के लिए चलाए, अपने मन से चलाए, अपने मन से चला दिए हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि साक्षरता यहाँ ख़त्म है और उस साइड और भी ज़्यादा ख़त्म है, क्योंकि छोटे छोटे लड़के जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके हाथ में हथियार है, ना उनको कोई समझा रहा है, ना वो समझने वाले हैं, वो ये करते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को या हम लोग पिछले दो ढाई साल से कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों का बात उन तक पहुँचे, लेकिन पहुँच नहीं पा रही। पिछले ही समय बाढ़ पीड़ितों के लिए आते थे, विधायक भी आते थे, मंत्री भी वहाँ आते थे, घूमते थे, लेकिन कोई उनका उनसे लाभ किसी को होता नहीं था। हम लोग कैंपेन किए, हम लोग चार पाँच दिन कंटिन्यू खाना खिलाए, अपने जितना सहयोगी थे हम लोग मिल के अपना सब काम करके खाना खिलाए। यही प्रयास रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो या हो रहा है उसको हम लोग देखें और उसको देख के करें, सुरक्षित करें और उसको ठीक करें। लेकिन ये कोशिश जारी है और जारी ही रहेगा। अब पटना जाने वाले हम लोग हैं, उनको प्रभाव पड़ना चाहिए, पड़ेगा क्यों नहीं, हम लोग वहीं जाके धरना पे बैठेंगे। अच्छा एक चीज़ है, जब चुनाव हो रहा था तो राजद ने ये घोषणा किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, जो लोग थे बिहार के वो प्रभावित हुए, लेकिन उसके बाद से जो जदयू का और एनडीए गठबंधन का, यूं कहे कि एनडीए गठबंधन का जो मैनिफेस्टो आया तो उसमें लिखा गया कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। बाकी रोजगार की स्थिति क्या है वो आप सब जानते हैं। हमारी जो सरकार है वो सिर्फ दारू दारू दारू, सिर्फ दारू पे कानून बनाएंगी, दारू पे एक हर एक दिन नया नया नियम लागू होगा। जो सारी पुलिस या फौज है वो दारू पकड़ने में है, जो शिक्षक हैं वो भी अब दारू पकड़ेंगे, ऐसा उनका वो आया था। अच्छा एक चीज़ बताइए, हर जगह दारू 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 लगा हुआ है लेकिन दारू भी हर जगह बिक रहा है, तो इस पे आप लोगों का क्या है, पदयात्रा में कुछ है दारू को लेकर? बिल्कुल है, या तो हम लोगों के मेंशन है इसमें कि या तो शराब को पूर्णतः चालू कर दीजिए या तो पूर्णतः बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बीच वाला जो खेल है इसमें मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। और इसमें अभी अभी यहाँ गोपालगंज में 7 लोग बिल्कुल बिल्कुल बैकुंठपुर में जहरीली शराब पीने से 2 महीना पहले 56 लोग मरे थे, अब फिर से वही शुरू हो रहा है। इसीलिए हम लोग का इसमें, यहाँ जो था पहले शराब बिहार में चलता था तो लोग पीते थे, अपने घर जाकर सोते थे। अब क्या होता है कि पुलिस के कार्रवाई के कारण ये लोग बाहर से पी के आते हैं, एक्सीडेंटल होता है, बलथरी चेक पोस्ट पे जाइए, कंटिन्यू आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होता है, और किस रीजन से शराब पी के आके लड़ गया है। पिछले कुछ दिन ससा एक लड़का था, जाके वहाँ शराब पिया था कि शराब पी के आ रहा था और ट्रक में लगा और उसे वहीं वो स्पॉट डेथ कर गया। तो ये सरकार कुछ नहीं देख रही है, बस वो देख रही है कि दारू कहाँ है, मिलो पकड़ो और उसको जब्त करो, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। सरकार जान रही है, प्रशासन जानती है कि यहाँ दारू हो रहा है, वो जानती है, लेकिन वो उसका रवैया वहाँ कमज़ोर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ छोटे छोटे जो है वो बेच रहे हैं, उनको पकड़ ले रही है, लेकिन जहाँ से बड़े बड़े वो तस्कर आ रहे हैं, तस्कर यहाँ ट्रक से लदी आ रही है ट्रकें, वो उनको ध्यान देते ही नहीं है, वो बस उन्हीं को ध्यान देते हैं। जैसे कोई मान लीजिए 2 पेटी लाया, कोई पीने के लिए लाया, या किसी गाड़ी के पास है जब्त कर लेगी, लेकिन वो बड़े बड़े वाले पर नहीं देख रही है, इसी एक कारण है। और वो लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि छूटे, क्योंकि कमाई यहाँ ज़्यादा हो रहा है, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ हटे। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपका जो पद यात्रा है उसमें जो आपने रोड मैप तैयार किया है कि हम कैसे जाएंगे, उसमें लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे? देखिए सबसे पहले मैं छपरा अपडेट को धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आप छपरा से चल के हमारे आवाज़ को बुलंद करने के लिए गोपालगंज तक आए, आपका दिल से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे आप पूछे कि हमारा जो रूट मैप है, इसका एक ही मकसद है कि हर जगह लोगों को जागरूक करना। सरकार जो अभी, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुना हुआ सरकार जो हमारे लिए काम करे, लेकिन वो हमारे लिए काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। मकसद एक ही है कि शराबबंदी, शराब पकड़ो। शराब पकड़ा कहाँ जाता है, उनको पकड़ा जाता है रोज जो 400-500 रुपया कमाते हैं, मतलब जो छोटे 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 जो हैं, जिनके पास 1-2 बोतल पकड़ा जाता है उनको पकड़ा जाता है। जो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो तो पहुंचाते हैं थाना को, एसपी साहब को, और माननीय नीतीश कुमार जी को भी पता है, मुख्यमंत्री जी को ये भी पता है कि बिहार में पूर्णतः शराब बंदूक लागू करने के लिए वो बिल्कुल विफल हैं।
बिल्कुल विफल है और ये हथकंडे अपना रहा है। अब बताइए, हमारे समाज के सबसे योग्य माना जाता है शिक्षक को, और उन्होंने बोला कि अब शिक्षक शराब पकड़ेंगे। हाँ, वो समाज निर्माण छोड़ के बच्चों का भविष्य निर्माण छोड़ के दारू पकड़ेंगे। बच्चे तो हथियार उठा चुके हैं बिहार में, अपराध देखिए, 15-15 साल के लड़के तमंचा लहराते हुए निकल जाते हैं। वो तो शिक्षक अपना शिक्षक को जब आप दारू पकड़वाइएगा तो शिक्षक पढ़ाएंगे कहाँ से? शिक्षक तो खुद एक अलग सा वर्डन है उनपे कि उनको पढ़ाना है। अब उनको शराब पकड़वाइए, वो लोग से दुश्मनी करेंगे, कहीं जाएंगे उनकी हत्याएं होंगी। जब जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है तो शिक्षक क्या सुरक्षित रह पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अब वो सेठिया गए हैं, उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। जैसे कि आप दो दिन पहले देखे कि अपराध पे सवाल किए हमारे जो विधानसभा के सर्वोच्च पद होता है, हमारे यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष सवाल करते हैं, और उनको उन्होंने जिस मतलब अपमान के साथ, समझिए कि ये बिहार का दुर्भाग्य है कि पूरे संसद में विपक्षों पक्षों सब लोग बैठ के सुन रहे थे और वो उनको अपमानित कर रहे थे उंगली दिखा दिखा के। अब बताइए कि अगर हमारे यहाँ हत्याएं होती है तो हमारा विधायक जाके सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमें आदेश है, हम जाके विधानसभा में क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं कर सकता। हमारा सवाल तो विधायक है, क्योंकि हमने उसको चुना है, लोकतंत्र में हमने उनके जनप्रतिनिधि बनाया है, हमारा नेतृत्व वो कर रहे हैं, तो हमारा सवाल का जवाब भी नीतीश कुमार को देना चाहिए था। तो वो स्पीकर से झगड़ जाते हैं, स्पीकर को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ओछी मानसिकता का ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता जो है कितना गलत हो चुका है, कितना गिर चुका है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी जो मांगे हैं आपने अपने जनप्रतिनिधि को दिखाया, उन्होंने क्या बोला? देखिए, तमाम जनप्रतिनिधियों से हम मिल रहे हैं, अपनी मांगों को बता रहे हैं कि भाई आप हमारा इसमें सहयोग करिए। बहुत लोग सत्ता दल के, हमारे यहाँ सत्ता दल के विधायक हैं, वो हम मानते हैं कि जब किसी भी सत्ता दल के विधायक के पास जाते हैं उसके सरकार के मैनिफेस्टो के खिलाफ, तो वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको डर है कि भाई अगला बार हमारा टिकट कट जाएगा। गौर से समझिएगा इस बात को, और तमाम बिहार के जो भी जनता हमें देख रही है, छपरा अपडेट के जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सही का आवाज उठा रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधि आपका साथ नहीं देता है तो समझ लीजिए कि सिर्फ सत्ता का लोभी है और सत्ता। लेकिन लोकतंत्र का मतलब तो यही है ना कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो आपने चुना है अपने लिए, आपकी समस्याओं को सुधारने के लिए चुना है, तो आपकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, अगर सुन लिए तो उनका टिकट कट जाएगा, यही बात है। टिकट कट नहीं जाएगा, हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है कि भाई जब सरकार के विपक्ष में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें फंसाया जाए, उन्हें रोका जाए और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। हम लोग सबसे मिल रहे हैं, हमारा काम है सबसे मिलना और बातों को जागरूक करना। हम ज़्यादातर ज़्यादा आम लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, और यहाँ से पटना तक हम जहाँ भी जाएंगे लोगों को अपनी बातों को साझा करेंगे, बातों को बताएंगे, और उनको ये बात बोलेंगे कि आप भी अपने जिला से इस आवाज़ को बुलंद करिए और आगे बढ़िए और हमारा साथ दीजिए। अच्छा, हमको एक बार अंत में रास्ता बता दीजिए कि आप लोग कैसे जाएंगे। हम लोग का रूट मैप तैयार हुआ है, गोपालगंज भगत सिंह चौक से निकल करके हम लोग टाउन को पूरा कवर करते हुए आरआर मोड़ कोइनी से होते हुए मोहम्मदपुर से फिर मोड़ के मसरक, छपरा और हाजीपुर, ऐसे करके हम लोग पटना पहुंचेंगे। अच्छा, पूरा यही रोड में जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। युवाओं की टोली है, सरकार पे जो सरकार अभी निरंकुश हो चुके हैं, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर चुकी है, जो शिक्षक है जिनका काम है समाज निर्माण करना, जिनका काम है बच्चों के भविष्य को संवारना, उनसे अब दारू की खोज कराई जा रही है। जो कानून व्यवस्था है, जो अपराध को रोकना जिनका काम है, वो अब दारू पकड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढा जा रहा है, जो हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस बनाना चाहिए था, एयर एम्बुलेंस बनाना चाहिए था, उससे अब शराब पकड़ा जाएगा। तो आप इससे स्थिति को समझ सकते हैं कि हमारा बिहार किस प्रकार से किस दिशा में जा रहा है। इससे बिहार का विकास होगा कि किसी एक मुख्यमंत्री के कुंठा के कारण हमारा बिहार बर्बाद हो जाएगा। बाकी इन युवाओं को सलाम है जो सरकार के आँख में आँख डाल के सवाल पूछना जानते हैं और पूछ रहे हैं, और पैदल चल के मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाएंगे और फिर से उनके आंखों में आंखें डाल के अपनी मांगों को मांगेंगे। तो इनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है, आप सब इनका साथ दीजिए। इनका नाम है विपुल चौबे, हुंकार दल से हैं, और 23 तारीख को इनका यात्रा जो है आरंभ होगी और 3 तारीख को ये मुख्यमंत्री के आवास के पास होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं ऋषभ, छपरा अपडेट के लिए। कैमरे के पीछे अभिषेक है, बहुत बहुत धन्यवाद।